भारत सरकार के खेल मंत्रालय एवं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा हरियाणा में चौथी खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन 4 जून से 13 जून तक किया जा रहा है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ के 11 खिलाड़ियों सहित 2 कोच एवं अन्य का चयन किया गया है। भारत सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे संस्करण की शुरुआत 4 जून से 13 जून तक पंचकुला हरियाणा में किया जा रहा है, जिसके तहत जूडो खेल का आयोजन रेड विश होप हॉल पंचकुला हरियाणा में 5 जून से 12 जून तक आयोजित किया जा रहा है, जिसके लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों से 11 बालक बालिका जूडो खिलाड़ी, 2 प्रशिक्षक एवं 2 प्रबंधकों का चयन किया गया है। प्रदेश की बालिका टीम में नंदनी सिंह, ललिता साहू, श्रद्धा गोस्वामी, दीपिका साहू, हर्षिता प्रसाद एवं तेजस्विनी राठौर का चयन हुआ है और इनकी प्रशिक्षिका सुश्री किरण शर्मा ब्लैक बेल्ट और अंतर्राष्ट्रीय रेफरी तथा प्रबंधक राजकुमार जायसवाल ब्लैक बेल्ट होंगे। उसी तरह बालक वर्ग में हर्ष दुबे, ब्रिजराज सिंह, उनेश कुडियम, हर्ष सिंह, निरंजन कुमार चयनित हुए हैं। इनके प्रशिक्षक विजय नाग ब्लैक बेल्ट शानदान एवं NIS प्रशिक्षक तथा प्रबंधक दिवेश रावत ब्लैक बेल्ट होंगे। उक्त सभी चयनित खिलाड़ियों का विशेष प्रशिक्षण शिविर खेल एवं युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पर खेल विभाग दुर्ग के सहायक संचालक श्री विलियम लकड़ा के निर्देश में अनलिमिटेड जूडो एकेडमी हाउसिंग बोर्ड भिलाई में आयोजित किया गया। यहां प्रशिक्षकों ने खिलाड़ियों को खेल की सभी बारीकियों से अवगत कराते हुए पसीना बहा देने वाली कड़ी मेहनत की आग में तपाया है, जिससे यह खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन खेलो इंडिया यूथ गेम में देकर छत्तीसगढ़ का परचम लहराने को तैयार हैं। खिलाड़ियों में भी इतना विश्वास देखा जा रहा है कि अपने प्रशिक्षकों द्वारा दिए गए प्रशिक्षण से वह मेडल लाने के लिए आश्वस्त हैं। वहीं प्रशिक्षक भी अपने खिलाड़ियों द्वारा लगाए गए दमखम को देखकर आश्वस्त हैं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश का परचम इस चौथी खेलो इंडिया यूथ गेम में जरूर लहराएगा। तैयारियां बहुत अच्छी चल रही है हमारी और हम खेलो इंडिया और छत्तीसगढ़ प्रशासन खेल विभाग का शुक्रिया करना चाहेंगे कि हमारे इतने अच्छे स्पोर्ट्स हमारे पीछे बहुत मेहनत कर रहे हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि उनकी कोशिशों को हम खाली ना जाने दें और मेडल ला के बदलेगा। बहुत मेहनत करें हमारे कोचेस हमारे पीछे, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम मेडल ला के पिछली बार की तरह इस बार भी छत्तीसगढ़। और सबसे पहले तो मैं सबका धन्यवाद करूँगा, छत्तीसगढ़ प्रदेश जूडो संघ, खेलो इंडिया, खेल युवा कल्याण, सबका धन्यवाद करना चाहूँगा जो हम लोग इतना सपोर्ट कर रहा है, हम लोग एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं खेलने के लिए। तो सबका धन्यवाद मेरी पूरी टीम की तरफ से, सबका धन्यवाद। ये 9 जून से 12 जून हम लोग का टूर्नामेंट है हरियाणा पंचकुला में। तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, सुबह शाम दोनों टाइम एकदम अच्छे से डट कर प्रैक्टिस कर रही है, साथ में हमें डाइट भी दिया जा रहा है सब कुछ। जी हाँ सर, इस बार पूरा जोश और पूरे मेहनत के साथ हम लोग खेलेंगे और इस बार लगभग सभी के सब कोशिश में है कि सब मेडल लाएँ। यहाँ बच्चे जो है खेल युवा कल्याण विभाग के अंडर में यहाँ पर कैंप आयोजित किया गया है, जिसमें सारे जूडो के खिलाड़ी जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए जिनका चयन हुआ है वो यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं और इनको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है खेलो इंडिया की तरफ से। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी खेलो इंडिया का और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का और छत्तीसगढ़ प्रदेश जूडो संघ का, जो बच्चों को इतना मोटिवेट कर रहे हैं, बच्चों को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि वो बहुत अच्छा करें और आगे और अच्छे करने की इनको प्रेरणा मिले। कोशिश तो हमारी यही है कि हम इनको मेडल के लिए ही तैयार करें, हमारी कोशिश पूरी यही है। हमने अपना 100% इनको कोचिंग में दिया है कि ये जो है आने वाले जो खेलो इंडिया जो गेम्स हो रहे हैं इसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन करें। पहले से ये जो प्रैक्टिस करते आ रहे हैं इसमें हमने कुछ चेंजेस किए हैं इनके प्रैक्टिस शेड्यूल में और इनको जैसे इनकी जो भी गलतियाँ होती है उसको हमने पॉलिश करने की कोशिश की है और जो जो इनके जो माइनर मिस्टेक्स जो ये करते हैं अपने प्रैक्टिस में अपने फाइट में उसको हमने कोशिश की है कि वो अच्छा कर पाए, उसको सुधार पाए और उस जो वो जो अपनी प्रैक्टिस को सुधारेंगे, जो अपना मैच सुधारेंगे, उसका रिजल्ट आपको खेलो इंडिया के इवेंट में ज़रूर दिखेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए जूडो में 11 खिलाड़ियों का यहाँ से चयन हुआ है छत्तीसगढ़ प्रदेश से, जिसमें कि 7 लड़कियाँ हैं और 5 लड़के हैं और ये सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं। जैसे कि एक बच्ची जो है वो भाटापारा से है, कुछ बिलासपुर के बच्चे हैं, कुछ हमारे भिलाई के बच्चे हैं और एक बीजापुर से भी बच्चे का चयन हुआ है। तो ये अलग अलग जिले से बच्चे जो है यहाँ पर आ करके अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं। अनलिमिटेड जूडो एकेडमी हाउसिंग बोर्ड भिलाई में प्रतिदिन यह चयनित खिलाड़ी अपना खून पसीना बहाकर खुद को कुंदन बना रहे हैं।
और ऐसी आशा रखते हैं कि इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मेडल प्राप्त कर अपने प्रशिक्षकों सहित पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। खेलो इंडिया युवा गेम्स में छत्तीसगढ़ की जाने वाली जूडो टीम को छत्तीसगढ़ प्रदेश जूडो संघ के अध्यक्ष अरुण द्विवेदी एवं सचिव SR सोनी ने हृदय से बधाइयां दी हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।